मेरा नाम डॉक्टर रेहान अशरफ है और मैं ऑलटेक पाकिस्तान में एज ए नेटिव मेंबर काम कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। अभी हम एक फीडबिल पे मौजूद हैं और जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कॉर्न, मकई। मकई जब भी किसी फीडबिल पे आती है, क्योंकि एक इसका एक मेजर पोर्शन फीडबिल पे जो है ना वो रखा जाता है और किसी भी डाइट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, वो हमारी जो मेजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कॉर्न मैनेजमेंट, कॉर्न की इन्वेंट्री पे बेस करती है। ठीक है, मकई के कौन कौन से बेसिक पैरामीटर हैं जो कि एक फीड मिल पे चेक किए जाते हैं जब मकई किसी भी फीड मिल पे आती है। तो मेरे पास कुछ सैंपल हैं जिसमें दो से चार मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम एक फीड मिल पे चेक करते हैं, जिसमें लैब एनालिसिस के अलावा जो फौरी तौर पे चेक किए जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम मॉइस्चर चेक करते हैं, जो कि अच्छी मकई का मॉइस्चर 11 से 12 तक होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। जितना मॉइस्चर बढ़ता जाएगा उतने उसकी जो है वो प्राइस या काट लगती जाएगी। सेम लाइक जो दूसरा पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं वो होता है इसकी कलरिंग। कलरिंग येलोइश रेड होना चाहिए। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि जिस फेज पे इसकी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है, या और बहुत सारे हमें जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि ये इसका येलोइश कलर, येलोइश रेड कलर होगा तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी और हम मैक्सिमम इसके अंदर से स्टार्च जो है ना वो या कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर से ले सकते हैं। थर्डली इसके अंदर हम इसका डैमेज पोर्शन चेक करते हैं। जितना डैमेज होगा उतने इसके स्टोरेज के चांसेस जो है ना वो या ख़राब होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें मोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उससे एफ्लाटॉक्सिन के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना डैमेज कॉर्न होगा जब उसको स्टोर करेंगे तो वो टॉक्सिन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और बढ़ते जाएंगे और हमारा जो अच्छा स्टॉक है उसको भी ख़राब करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम इसके अंदर जो है वो जो कार्ट लगती है उसको, उसका जो परसेंटेज निकलता है वो अगेन डैमेज जो कॉर्न होती है उसकी बेस पे निकलता है कि जितने परसेंट डैमेज कॉर्न होती है टोटल में उसकी परसेंटेज निकाल के उसकी उतनी काट लगा दी जाती है। तो ये तीन से चार मोटे मोटे जो पैरामीटर्स हैं जिसको हम फीड मिल पे फौरी तौर पे चेक करते हैं कॉर्न की बाइंग के लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।